पास 150 प्रोडक्ट्स हैं, और अगर हम कलर वेरिएंट्स की बात करें तो 1500 के करीब कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इट मींस कि ये कलर कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज और एक्सेसरीज, इसकी एक कंप्लीट रेंज है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा फातिमा है और मैं वर्किंग लेडी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे लगें, अपने आप को अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग हर वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बेजार रहते हैं अपने आप से, क्योंकि हम अपने आप से बेजार हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेजार हैं। बच्चों से भी बेजार होंगे, मियाँ से भी बेजार होंगे, हर चीज़ से हमें बेजारी होगी क्योंकि हम अपने आप से बेजार हैं। अगर हम अपने खुद को, हमें खुद को अच्छा फील करेंगे तो फिर हमारे इर्द गिर्द जितना भी माहौल होगा वो हमें बुरा नहीं लगेगा। आप एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप अपनी अपेयरेंस से अपना फर्स्ट इम्प्रेशन दें। सबसे अच्छी मुझे सेशन में ये चीज़ लगी कि आपने प्रिंट्स का यूज़ जिस तरह बताया कि हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, और पूरा यूज़ करने के बजाय हम उसको कट करके सिर्फ स्लीव्स पे यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से। मेरे लिए सेशन की बेस्ट पार्ट थी, मैंने सीखा मैं अपनी फिजीक के अकॉर्डिंग कैसे ड्रेसिंग कर सकती हूँ, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं आप बहुत स्किनी हैं वट एवर, लेकिन अब मुझे काफ़ी कुछ सीखा कि मैं अपने फिजीक को कैसे इन्हांस कर सकती हूँ। हम लोग डिफरेंट सेशन अटेंड करते हैं जिसमें हम लोग कुछ कभी स्किन केयर की बात कर रहे होते हैं, अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें तो मेकअप की बात चल रही होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है फ्रेग्रेंसेस के ऊपर इतनी ज्यादा बात कभी नहीं हुई है। जब मैं तैयार हो जाती थी, इवन कि मैं बाल भी शीशा देखकर नहीं बनाती हूँ, बहुत बुरा लगता था जब लिपस्टिक लगा लेती तो अपना बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद से काफी चेंज हुई है नेचर वाइज, अंदर से काफी नेचर जो इनर आपका होता है वो काफी चेंज हुआ है, अब अच्छा लगता है। मेरा नाम फरा है और मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। कैसर मलेशिया फाउंडेशन जो इनिशिएटिव लिया हुआ इम्प्रेशन इनसाइट, जिसको समन असद कंडक्ट करवाती हैं, ये वर्किंग वुमन के लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। शॉपिंग हम सब लोग कर लेते हैं बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से, लेकिन ये नहीं पता होता कि आपके कलर के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के लिहाज से आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो समन असद का ये जो सेशन है, मैं तो कई दफ़ा अटेंड कर चुकी हूँ, मैंने काउंट नहीं किया कितनी दफ़ा, लेकिन वो बहुत प्रोडक्टिव है। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज ड्रेसिंग इज कंसर्न, और उसका जो इम्प्रेशन है दूसरों पर वो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका क्रिएट करता है, और समन इसमें बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, और उसको डिवाइड किया हुआ है बहुत सारे सेगमेंट्स में कि पहले आप अपना कलर देखें, कलर टोन देखें, फिर सीजन देखें, और फिर ये देखें कि बॉडी टाइप कैसी है, और ये कंप्लीट पैकेज है कि आप अपने आप को जानें ड्रेसिंग के एस्पेक्ट से। आपका बच्चा फख्र महसूस करता है जब आप बड़े प्रेजेंटेबल होते हैं ना, और आपको वो चार बंदों से मिलवाते हुए प्राउड फील कर रहा होता है कि मेरी मामा है। मेरा नाम सायरा शाकिर है और मैं प्रोफेशन के एतबार से ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने कासर मलेशिया फाउंडेशन के बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, लेकिन ये वुमेन विंग के तहत जो सेशंस हो रहे हैं इसमें तो बहुत कमाल कर दिया इन लोगों ने। ख़वातीन जो अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों के पीछे भुला के बैठ जाती हैं, इन्होंने उन ख़वातीन को एक तरह से झुंझोड़ा है कि अपनी जिम्मेदारियों से निकल कर कुछ अपने आप के लिए भी सोचें। और मैं तीन सेशंस अटेंड कर चुकी हूँ और उनमें बहुत कुछ मुझे लगता था मुझे पता है, लेकिन यहाँ आकर मैं एक तरह से बहुत कुछ नया सीखने का समझती हूँ कि मुझे मौका मिला। तो यहाँ आकर इन सेशंस ने हमें दोबारा से रिफ़्रेश किया है, अपने ऊपर तवज्जो देनी है। जब हम अच्छे दिखेंगे, हम अपने आप को नीट क्लीन और अच्छा दिखाएंगे तो हमारी फैमिली भी हमें देखकर खुश होगी, और हम अपने घर वालों के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, और ये मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा हो रहा है। फर्स्ट सेशन है, पहले तो नहीं लिए लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी लेंगे। मैं एक्चुअली जो है बहुत इंस्पायर्ड थी हमेशा से कासिम अली शाह फाउंडेशन से। अभी रिसेंटली जो मैंने आज जो इवेंट अभी ज्वाइन किया है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन के लिए, कि कैसे वो अपनी ड्रेसिंग की, अपने स्टाइल की, और अपनी कैसी जो है वो ग्रूमिंग कर सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक बड़े सिटी में रहते हैं लाहौर में, जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास, तो आपको जो है इस तरह की इवेंट्स तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिसमें आप अगर आएँ तो आपको बहुत कुछ पता लग सकता है। आज के सेशन से मैंने ये सीखा है कि
अब से ज़्यादा जो है ना आप कॉन्शियस नेक्स्ट टाइम जो है ना अपनी ड्रेसिंग के बारे में और अपनी अपेयरेंस के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होंगे. और फर्स्ट सेशन भी मैंने लिया था. दूसरा ये कि आज एक और अच्छी बात जो है कि वो स्मार्ट शॉपिंग के हवाले से पता चली कि मतलब आप किस तरह से और कस्टमाइज जो है ना उसको प्रेफर करना चाहिए. एंड डैट इज़ मोर मतलब इकोनॉमिकल भी होता है ज़्यादा और ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो डिफरेंट भी हो सकता है. मतलब डिज़ाइनर्स तो वो हर एक तक पहुँच रहा है ना और जो कस्टमाइज है वो सिर्फ आपका ही होगा. क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए विद द ट्राउजर? बिकॉज जनरली ये होता है कि वी डोंट मैच थिंग्स विद अकॉर्डिंग टू द कलर. तो हम लोग कोई भी कलर यूज कर लेते हैं. द न्यू थिंग दैट आई लर्नड वाज कि डार्क कलर्स के ट्राउजर्स अगर हों तो इट वुड सूट अस मोर. दिस वाज क्वाइट एन इन्फॉर्मेटिव थिंग दैट आई लर्नड. मेरी रिकमेंडेशन और खवातीन को भी जो घर पे बैठी हुई है उनको भी, वर्किंग वुमेन को तो है ही जो घर पे भी बैठी हुई है, उन्हें अपनी अपेयरेंस के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, इन सेशंस को अटेंड करना चाहिए. और इसको अटेंड करने के बाद ही रिजल्ट्स जनरेट हो सकते हैं. आप सिर्फ सुन लें कि हाँ जी सेशन हो रहा है वो काफ़ी नहीं है. मैं भी आज वक्त निकाल के आई हूँ कि दो के मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस उसी वक्त है जब आप यहाँ आएंगे. मैं तो आप सब लोगों को मधु करूँगी, फाउंडेशन का रुख कीजिए. और ये जो नेकी का काम ये फाउंडेशन कर रही है इसमें आप लोग क्यों पीछे रह रहे हैं? सभी आइए और अपनी ज़िंदगियों को पहले से बेहतर बनाइए.